बीआरओ के जवानों द्वारा वैसे तो रोहतांग दर्रा पर मनाली लेह मार्ग से बर्फ हटाकर मार्ग को मनाली से केलोंग के मध्य बहाल कर दिया गया है, लेकिन मार्ग बहाल होने के बाद भी दर्रे पर वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। इस वजह से घाटी के बाशिंदों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोहतांग दर्रे पर वाहनों के न चलने का कारण दर्रे पर माइनस तापमान का होना और मार्ग पर जम चुकी बर्फ व पानी, जिसके कारण मार्ग पर काफी फिसलन हो गई है। सड़क पर जम चुकी बर्फ और पानी के कारण दर्रे पर फिसलन अधिक होने से कोई भी वाहन इस मार्ग पर चलाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने रोहतांग दर्रे की तरफ जाने वाले सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और किसी भी वाहन को गुलाबा चेकपोस्ट से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मनाली एसडीएम रमन घरसंगी ने बताया कि बीआरओ के जवानों द्वारा रोहतांग दर्रा बहाल कर दिया गया है, लेकिन सड़क पर बर्फ और पानी के जम जाने से अधिक फिसलन हो गई है। ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रोहतांग दर्रे की तरफ जाने वाले सभी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि जब तक सड़क पर से जमी बर्फ हट नहीं जाती, तब तक किसी भी वाहन को दर्रा पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही हालात ठीक होंगे, उसके बाद वाहन आसानी से दर्रे पर से गुजर सकेंगे। बीआरओ ने जो अपडेट दिया है, उसके हिसाब से उन्होंने जो रोहतांग के दोनों जो छोर हैं उनको मिला दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइसिंग हो रही है, सब जीरो टेम्परेचर चल रहे हैं, इस वजह से अभी फिलहाल जो है अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई डिसीजन नहीं लिया रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम गुलाबा बैरियर टू लाहौल साइड। अभी हम लोग स्थिति को अध्ययन कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि किसी तरह की कोई मतलब जो है दुर्घटना घटित हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइसिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है इसकी वजह से जो है गाड़ियाँ स्किड हो सकती हैं। साथ में इस स्थिति के बारे में जो है लाहौल स्पीति एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी अवगत करा दिया गया है और इसमें जैसे ही अगर स्थिति नॉर्मल होती है उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।